गाइस गूगल क्रोम की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑटो रिफ्रेश अ पेज इन गूगल क्रोम। कि आप कैसे गूगल क्रोम के अंदर किसी पेज को ऑटो रिफ्रेश कर सकते हैं, मतलब आप कैसे किसी पेज को ऑटो रिफ्रेश के ऊपर लगा सकते हैं। सो इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में एंड आपने गूगल में जाके सर्च करना है गूगल वेब स्टोर या क्रोम वेब स्टोर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्रोम वेब स्टोर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने सिंपली जाना है एक्सटेंशंस में एंड आपने यहाँ पर एक एक्सटेंशन सर्च करना है ऑटो रिफ्रेश प्लस। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्सटेंशन ऑटो रिफ्रेश प्लस पेज मॉनिटर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपने इसको ऐड करना है अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है तो ये एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगा। आपने इस तरह इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपली जाना है एक्सटेंशंस में। ठीक है, आपने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने जाना है ऑटो रिफ्रेश प्लस पे। अब यहाँ पर आपने टाइम सेट करना है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 12 सेकंड्स है क्या 12 सेकंड्स के बाद आपकी जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ 5 सेकंड्स पे एंड इसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं अलाउ करता हूँ एंड ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको पिन कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आ जाए। ठीक है, मैं इस एक्सटेंशन को पिन कर लेता हूँ एंड पिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर एंड 5 सेकंड्स के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है पेज। ठीक है, सो दैट्स इट। दिस इज़ हाउ यू कैन ऑटो रिफ्रेश अ पेज इन गूगल क्रोम यूजिंग दिस एक्सटेंशन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।